हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? चलिए आज बारिश का मजा लेते हैं। ये ग्रुप पूर्णिमा के दिन का वीडियो हमने शूट किए हैं क्योंकि पटना में उस दिन बारिश पड़ा तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो हम भी अपने बालकनी में खड़े होकर वीडियो शूट करने लगे क्योंकि इधर इतने दिनों से, करीब 7 दिनों से इतना तेज़ गर्मी पड़ रहा था, लोगों का हालत ख़राब था। और जब काले काले घटा छाए और बारिश पड़ने लगा तो बहुत अच्छा लगा, तो हमने सोचा क्यों ना बारिश का मज़ा लिया जाए, तो बालकनी में आ गए और वीडियो भी शूट कर लिए। तो बारिश के पानी से हमें तो बहुत अच्छा लगा और पेड़ पौधे के लिए भी, ये फसलों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे ज़्यादा हो जाता है मवेशियों को प्रॉब्लम। यहाँ जो आप देख रहे हैं मेरे अपार्टमेंट से बाहर, ये खटाल बना हुआ है जहाँ गाय रखी जाती है, तो यहीं से हम लोग के घर में दूध भी आता है। तो इन जो गाय को पालने वाले हैं, इन लोग को बारिश में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर पानी भी लगता है। तो इस तरह से वो लोग गाय के लिए घर बनाते हैं, उसी में अपने भी रहते हैं और गाय सब को भी रखते हैं। यहाँ के अगल बगल के लोग, जितने भी लोग हैं, यहीं से दूध लेते हैं क्योंकि पैकेट का दूध जो है सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो सब लोग गाय का ही दूध लेते हैं। तो ये बारिश का मज़ा तो ले लिए। अब सावन आ गया है तो सावन का रेसिपी भी तैयार कर लेते हैं। तो सावन के टाइम में होता है बहुत लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो आज का रेसिपी उन्हीं लोगों के लिए है। तो हम यहाँ पर 1 कप मूंग दाल लिए हैं बिना छिलके वाले, उसे 2-3 पानी से धोकर फिर हम इसे 3-4 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ दिए। आपको अगर इंस्टेंट बनाना हो तो आप इसे गर्म पानी में 1 घंटे के लिए फुला लीजिए। अब हम इसका बैटर तैयार करेंगे। तो हमने पानी इसमें से निकाल लिए हैं क्योंकि इसका थिक बैटर ही तैयार करना है। अब ये देख रहे हैं इस तरह से थोड़ा बिना पानी का पीसने में दिक्कत हो रहा है ग्राइंडर चलाने में, तो हमने थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी डाली और इस तरह से थिक बैटर तैयार कर लेना है। आप एक बार में ज़्यादा पानी मत डालिएगा, इसमें चम्मच से ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी डालिएगा क्योंकि इसका बैटर थिक ही रखना है। तो ये बैटर तैयार हो गया। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो हमने हल्दी डाली, स्वाद अनुसार नमक डाले और 1/2 चम्मच हमने गरम मसाले डाले। आप इस टाइम पर चाहे तो मैगी मसाला या पाव भाजी मसाला डाल सकते हैं या जीरा पाउडर डाल सकते हैं, आपको जो भी मसाले पसंद हो उसे डालिए। थोड़ी सी हमने कलर के लिए कश्मीरी मिर्च पाउडर डाली, आपको तीखा पसंद हो तो चिली फ्लेक्स डालिए और नहीं तो लाल मिर्च पाउडर डालिए। अगर बच्चे के लिए बनाएं, क्योंकि ये बच्चे की टिफ़िन के लिए ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, तो अगर बच्चे के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची पाउडर स्किप ही करिए। इधर एक पैन में हमने 1 गिलास पानी ले लिया और इसे गर्म होने के लिए छोड़ दिया। अब हम बैटर को देखते हैं। तो बैटर तो बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब इसे बनाना है तो हम इसमें 1 पैकेट इनो डालते हैं। आपके पास इनो नहीं हो तो बेकिंग सोडा ले लीजिएगा, बेकिंग पाउडर नहीं, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा ले लीजिएगा। और इसमें हम थोड़ी सी इनो को एक्टिवेट करने के लिए पानी डालते हैं, इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे ये झागदार फ्लफी होते जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना कितना कम बैटर था, लेकिन इनो डालने के बाद ये बहुत फ्लफी हो गया है, बहुत स्पॉन्जी लग रहा है। अब सोचिए जब बैटर इतना स्पॉन्जी है तो बनने के बाद ये रेसिपी कितना टेस्टी होगा। तो जब आप बनाना शुरू करें उसी टाइम में इनो या सोडा डालें। अब यहाँ पर हम 3 कटोरी में इसको फिल कर रहे हैं, तो कटोरी को हमने तेल से ग्रीस कर लिया। आप चाहे तो इसे इडली स्टैंड पर बना लीजिए या ग्लास में भी आप बना सकते हैं। अब इधर पानी भी गर्म हो गया तो थोड़ी सी नींबू कट करके हमने डाली, और आप चाहे तो इस तरह का स्टैंड रखकर इसके ऊपर भी कटोरी रख सकते हैं या उसके ऊपर, नहीं तो एक प्लेट रख लीजिए। मेरे पास ये इस तरह के प्लेट थे, जाली वाले प्लेट, तो हमने इसी को डाल दिए। अब इसके ऊपर हम ये 3 कटोरी को अच्छी तरह से बैठा ले रहे हैं। इनको कटोरी को बैठा कर हम इसको 15 मिनट के लिए, 12 मिनट से 15 मिनट तक इसको ढककर पका लीजिए। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाइएगा, हाई फ्लेम पर मत पकाइएगा, नहीं तो पानी जल जाएगा और रेसिपी नहीं पकेगा। तो इस तरह से हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर कर लिए और इसे 12 से 15 मिनट तक अब कुक करेंगे। तो आप इसमें टूथपिक या स्पून कुछ भी डालकर देख लीजिएगा, अगर वो
स्प्लेन आएगा तो समझ जाइएगा ये पक गया है, तो ये बहुत ही स्पॉन्जी फ्लफी होकर अब बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। आप चाहे तो इसे इस तरह से भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें तो हमने कुछ मसाले, नमक ये सब मिक्स कर दिए हैं, तो कुछ देर हम 2 मिनट के लिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दे रहे हैं। अब जब ठंडा हो जाता है तो इसे साइड साइड से आप चाकू के मदद से इसके साइड से थोड़ा सा इसे लूज कर लीजिए और कटोरी से इस तरह से आप पटक कर इसे निकल थोड़ा थोड़ा टैप टैप करके इसे आप निकाल लीजिए। तो देखिए कितना स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है ना, बहुत ही स्पॉन्जी ये बनता है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप इसे रात को बना कर रख दीजिए तो इसे आप बच्चे को टिफिन में भी दे दीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। दाल तो वैसे भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप चाहे तो इसे इस तरह भी चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं, लेकिन चलिए इसमें हम एक नया तड़का लगाते हैं जिससे ये और भी टेस्टी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नॉन स्टिक पैन लिए हैं, क्योंकि नॉन स्टिक पैन में हम बहुत ही कम ऑयल में कोई भी चीज़ तैयार कर सकते हैं। तो थोड़ी सी हमने हाफ चम्मच ऑयल लिए हैं, इसको अच्छी तरह से इस पर स्प्रेड कर दे रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा राई लिए, थोड़ा सा व्हाइट वाले तिल लिए, उजले तिल को हल्का सा गर्म करके रोस्ट कर लिए और उस पर डाल दे रहे हैं। हम इसको डालकर दोनों साइड से एक एक मिनट के लिए सेक लीजिए, जिससे कि ये और टेस्टी हो जाएगा। हेल्दी तो है ही, अब इसे टेस्टी बनाने के लिए ये आप इवनिंग के टाइम में खा सकते हैं, मॉर्निंग में कुछ हल्का खाना हो उसमें खा सकते हैं, आप बच्चे के टिफिन में दे सकते हैं, या अभी जो सावन के टाइम में जो लोग लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं वो आराम से इस तरह का बनाकर खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और आप चटनी भी बिना प्याज लहसुन का बनाइए और उसके साथ आप सर्व करिए, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो गाइज, आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे एक लाइक कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपको रेसिपी अच्छा लगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और लास्ट में इसमें हम थोड़ी सी धनिया पत्ती को अच्छी तरह से धोकर इसे क्रश करके इस पर डाल देते हैं। कोई भी रेसिपी में थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दीजिए, उसमें एक अलग ही जान आ जाता है, एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। धनिया पत्ती का फ्लेवर वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमें कसूरी मेथी नहीं, यहाँ धनिया पत्ती ही देना। अगर आपके पास नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगर हो तो ज़रूर ऐड डालिए इस पर। तो इस तरह से हमने इसे बना ली है। अब हम इसे निकाल ले रहे हैं। तो आप इसे अब हम थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेते हैं। तो जैसे हमने ये रेसिपी निकाल ली तो अब एक प्लेट में हमें सर्व करना है। तो तिल से ये डेकोरेट हो गया और अच्छी टेस्टी रेसिपी भी मिल गई। अब हम इसे कट कर लेंगे, क्योंकि इस तरह इसको हम आप जिस शेप में चाहे तो इसको स्क्वायर शेप में, बड़े बड़े चौकोर में कट कर लीजिए, लेकिन हम यहाँ पर पतले इतना स्पॉन्जी है से इस पर जब हम चाकू लगा रहे हैं तो ये जैसे लगता है वो एक स्पॉन्जी गद्दा होता है ना, उससे उसमें बैठिए तो वो कैसे अंदर की तरह घसता है, तो ये बिल्कुल उसी तरह से लग रहा था मेरे यहाँ। ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आया। आप लोग एक बार ट्राई करिए, इस सावन में बनाकर जरूर खाइए, अपने बच्चे के लंच बॉक्स में भी दीजिए और इवनिंग स्नैक्स हो या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो, एक बार बनाकर इस रेसिपी को जरूर टेस्ट करिए। और गाइज, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए। सो इस तरह के हेल्दी नए नए रेसिपी हम आपके लिए लाएंगे। तो गाइज, अगली नई रेसिपी लाने तक के लिए आप लोगों से बाय बाय गाइज।